हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित नायर और आप देख रहे हैं माइस्कोकॉम चैनल। गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पिक्सल ऐप से 3D फोटो कैसे बनाते हैं। जैसा कि आपको एक स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये है 3D फोटो। ऐसा ही मैं आपको 3D फोटो बनाकर दिखाऊंगा अपना, या आप भी और किसी का अपना भी फोटो बना सकते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो बना रहे हैं वो आप तक आ सके। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमें पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है। पिक्सल ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा ऐसा। तो पहले हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, जो हल्का ग्रीन है वाला डार्क। तो इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें इस पर जाना है, ये इधर एंड फोर्थ नंबर पर डिब्बे वाले ऑप्शन पे जाना है। तो हमें लास्ट में सबसे पहले नंबर पर कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसको कलर पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, अलग अलग रंग बिरंगे। तो मुझे ये वाला पसंद है, ये वाला मैंने राइट कर दिया। और फिर हमें सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पर प्लस, सबसे ऊपर जाने का फर्स्ट नंबर पर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो हमें फ्रॉम गैलरी पर चले जाएंगे अपना फ़ोटो चूज़ करने के लिए। गाइस, वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए, आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में। तो हमने ये वाला फ़ोटो चूज़ कर लिया, इसको कट कर देंगे। अगर हम यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं तो 16:9 यूज़ करेंगे ये। अगर हम फेसबुक इंस्टाग्राम पर डालना चाहते हैं फ़ोटो तो 3:4 यूज़ करेंगे हम। इसको राइट कर देंगे हम, तो बीच में ला कर इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फिर हमें ये आइकॉन वाले, इसको क्लिक कर लिया हमने, फेस पर जाएंगे हम। यहाँ पे बहुत सारे हैं शेडोज, 3D शेप, 3D रोटेट। तो हमें 3D शेप में जाने के बाद इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे आना है 3D रोटेशन, एक्स रोटेशन, बाय रोटेशन। इसको हल्का 7 आप जितना करना चाहते हैं, आपको जितना ऐसे पसंद है आप कर सकते हैं, मैंने 9 कर दिया है। और जेड रोटेशन, ये आप घुमा सकते हैं इसको, तो मैंने नहीं घुमा रहा हूँ। तो इन सेंटिसी को भी आपको इसको कर देना है, तो इसको राइट कर देना हमें। फिर हमें जाना है 3D रोटेट पे। 3D रोटेट पे जाने के बाद हमें एक्स एक्सिस की दिखाई देगा, देखिए गाइस। तो इसको हम एक्स 34 माइनस 34 और 18 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो इसको राइट कर देते हैं हम। राइट करने के बाद हमें शेडोज वाली लाइन पर जाना है, इसको अनेबल कर देना है। फिर इसको हम, अगर आपको पसंद हो तो ये लाइन में शेडोज लगा सकते हैं, देखिए गाइस। जैसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, हाथ कर रहा हूँ, ऐसे आप लगा सकते हैं जैसे आपको पसंद आए। तो गाइस, आप वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए और मैं इससे बताऊँगा कि फ़ोटो को, ये हमने सेट कर लिया फ़ोटो, तो इसको डाउनलोड कैसे करें या हम टेक्स्ट कैसे करें। तो टेक्स्ट करने के लिए हमें ये इधर ए वाले ऑप्शन पे जाने के लिए तो हमें टेक्स्ट करना है। ये टेक्स्ट आ चुका है, तो इसको इस पर हम डबल बार डबल ऑप्शन करेंगे, डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद हमें कुछ भी लिख देना है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो मैंने अपना नाम लिख दिया है। नाम आप कहीं पे भी सेट करना चाहते हैं, वो सॉरी मेरा नाम नहीं आया, शुरू से लिखना पड़ेगा। हमें राइट कर देना है, राइट को आप जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे कर लिया। अगर आपको ये वाइट की जगह रेड करना है तो हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पे कहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे ये, तो इस पर कलर पर क्लिक करके आपको हमें रेड कर लेना है। रेड को ओके करने के बाद हमें फ्रंट पे जाना है। इसको थोड़ा अक्षरों को हम बड़ा करने के लिए हम बोल्ड पर क्लिक करेंगे, तो इसको राइट कर देंगे। देखिए गाइस, ये बिल्कुल सेम हो चुका है जैसे कि इस वीडियो में बताया था मैं। तो गाइस, आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए ताकि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आप तक आ सके। गाइस, अगर आपको यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं।